सुप्रभात मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डन विद रिधिमा। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। कैसे आप सभी ठीक है ना? आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक है पुदीने के फायदे। पुदीने का स्वाद और सुगंध प्रसिद्ध है। वह घास की तरह किसी भी क्यारी में उगाया जा सकता है। कुछ महीनों को छोड़कर यह सदा हरा भरा रहता है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध आती है जो इसके तैलीय सत्व के कारण होती है, जिसे पेपरमिंट बनती है। पुदीने का रायता, पुदीने की चटनी का प्रचलन प्रसिद्ध है। पुदीने का गुड़ शीतल है, उसे लू लगने, सिर दर्द होने जैसी परिस्थिति में ठंडाई की तरह बनाकर पिया जा सकता है। मुंह के छाले या मसूड़े के दर्द में उसे गर्म पानी में उबालकर कुल्ले करने से आराम मिलता है। यह मुख दुर्गंध नाशक भी है। जिन दिनों हरा पुदीना नहीं मिलता उन दिनों इसके सूखे पत्ते और डंठल भी लाभ देते हैं। चूर्ण चटनी बनाने वाले पुदीने की प्रधानता रखते हैं। चाशनी के सहारे इसका शरबत भी बनाया जा सकता है और गर्मी के दिनों में जलपान आदित्य की तरह काम में लाया जा सकता है। पुदीना हैजा की दवा है। अर्क पुदीना के रूप में इसका उपयोग जीम चलाना, अफारा, अतिसार, बवासीर आदि में होता है। शरीर को सुगठित बनाने के लिए इसका लेप या उपटन भी किया जा सकता है। हृदय की दुर्बलता, लो ब्लड प्रेशर में यह उपयोगी है। हिचकी एवं श्वास रोगों में इसे प्रयुक्त करते हैं। ज्वर तथा उसके बाद हुई दुर्बलता में भी इसे प्रयुक्त करते हैं। पत्तों का ताज़ा स्वरस 5 से 10 मिलीलीटर 1 से 2 चम्मच, फंट 4 से 8 चम्मच, तेल 1 से 3 बूंद की मात्रा में प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों, यही है आज का टॉपिक। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मित्रों, ये था मिंट्स के बेनिफिट एंड मेडिसिन ऑफ अरोमा, इसके औषधीय गुण और लाभ। अगले ब्लॉग पर लेके आऊँगी एक नए प्लांट्स के फायदे और उसके लाभ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए।